जय हिंद। आइए प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्लास सुबह शाम क्लास शाम को ही 7 बजे से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश लेट हो गया और उम्मीद है पूरे वस्तुनिष्ठ नहीं कर पाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसके भाग वन का, पूरे टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या होता है? तो एक्स रेखा को एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाइयां, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा? रॉबिन्स ने। माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रीश ने किया था। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है किसने कहा? मार्शल ने कहा। आर्थिक समस्या कैसी समस्या है? तो चुनाव की समस्या है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है तो समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उत्पादन क्या हो, उत्पादन कैसे हो। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है। आर्थिक समस्या का मूल कारण है साधन का सीमित होना। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मूल कारण क्या है? तो असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन और चुनाव की समस्या। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? उत्तर होगा ऋणात्मक। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है तो कभी आदर्शवादी? उत्तर होगा मार्शल। कौन अर्थशास्त्री कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो जेवी से नहीं है और कल्याणवादी विचारधारा के सपोर्टर थे मार्शल। कीमत रेखा या बजट रेखा की ढाल कैसी होती है? तो पीएक्स बटा पीवाई। अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक से लिया गया है और मैक्रोस का अर्थ क्या होता है? तो व्यापक। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्ति, परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म का। किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो सीमित साधन तथा असीमित आवश्यकता पर। अगला है, अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या होता है? तो घिसावट व्यय। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित होता है? तो जीएनपी एट एमपी। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सेवा शामिल है? तो विनिर्माण। किसके अनुसार संसाधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्या है? तो सैमुएलसन के अनुसार। माइक्रो शब्द किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का। आर्थिक समस्या के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा था? तो रैगनर फ्रिश ने बांटा था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? तो पूंजीवादी। किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो जाता है, तो मांग की लोच क्या होगी? 2 होगी। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है? उत्तर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला है, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? तो स्थानापन्न वस्तु। अगला है, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच कैसी होगी? तो ऋणात्मक होगी। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन कौन है? तो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो शून्य होती है।
अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो आर्थिक लागत। सभी आर्थिक क्रियाएं जो आय सृजित करती है क्या कहलाती है? तो विनिमय क्रिया कहलाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। प्रश्न, उदासीनता वक्र की ढाल कैसी होती है? तो मूल बिंदु की उन्नतोदर होती है और मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होती है। किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है? किस मांग वक्र को एंजिल वक्र कहा जाता है? तो आय मांग वक्र को। आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो समाजवादी। उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति ले लेता है? तो जब सीमांत अवसर लागत बढ़ता है। व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय विश्लेषण है, किसने कहा? तो प्रोफेसर सुल्ज ने कहा था। अगला है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमित उत्पादन परिवर्तन या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना वक्र सीमा का आकार कैसा होता है? तो सीधी रेखा के रूप में हो जाता है। वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा की प्रवणता बढ़ जाती है। अधिमान वक्र अक्ष के उस मूल के सापेक्ष कैसी होगी? उन्नतोदर होगी। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना में क्या जोड़ते हैं? तो मूल्य वर्धित कुछ देते हैं। अन्य बात के समान रहने पर कर में कटौती से उपभोग में क्या होता है? तो कर में कटौती से उपभोग क्या होता है? बढ़ता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो योजना तंत्र के द्वारा या नियोजन तंत्र के द्वारा। विश्व में अधिकांश अर्थव्यवस्था कैसी है? तो पूंजीवादी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्रा किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? तो बढ़ती अवसर लागत। उत्पादन अधिनियम वक्र चित्र के दोनों अक्ष पर क्या दर्शाता है? तो संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। किस अर्थव्यवस्था में मूल षड्यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत खुली अर्थव्यवस्था भी है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किसने दिया? तो शमुएलसन ने दिया था। मांग वक्र नीचे झुकता है क्यों? दाहिने की ओर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा होता है? तो मूल्य तंत्र के द्वारा। एक आयताकार अति प्रलयकार लागत वक्र है औसत स्थित लागत वक्र। एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है, मांग वक्र की लोच कैसी होगी? तो इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो होगा। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट बड़ा हो जाता है। यदि वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र दोनों बाई और समान अनुपात में शिफ्ट करता है तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। मांग के नियम का संबंध किससे है? तो वस्तु के मूल्य और मात्रा से। अगला है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उपभोग करने से उस वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती। विलासिता की वस्तु के मांग की लोच कैसी होगी? तो इलास्टिसिटी लेस देन वन हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ती है। स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? तो घिसावट व्यय। सीमांत अवसर लागत को का सूत्र क्या है? डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर बराबर टी सी और एम आर बराबर एम सी होगा। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सरल रेखा पूर्ति वक्र नीचे की ओर होती है इकाई के बराबर। क
कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या है, तो डेल्टा टीयू बटा डेल्टा क्यू। उत्पादन बंद कर देने पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगी। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं प्रतिस्थापन का नियम। एक उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, जब सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के बराबर होगी। जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग क्या कहलाएगी, कीमत मांग लोच या आय मांग लोच या तिरछी मांग लोच। सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है, सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक। किसी वस्तु के लिए उपयोगिता की मांग तथा वस्तु के कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध है, क्या कहलाता है, मांग का नियम। यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों में किस प्रकार का संबंध होगा, उत्तर होगा पूरक। एक ऐसी वस्तु है जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है, क्या कहलाती है, तो सामान्य वस्तु। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है, तो मूल बिंदु की ओर अवतल होती है। किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से पूरक वस्तु की मांग वक्र दाई ओर खिसक जाती है, तो आवश्यक वस्तु। एक रुचिरेखी मांग वक्र कहा जाता है, एक एक्स अक्ष के मिलता है, वहां मांग की लोच अनंत होगी। किसी वस्तु की मांग वक्र उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, अन्य वस्तुओं की मांग पर मूल्य पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया, उत्तर होगा मार्शल ने। एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ क्या है, वस्तु आवश्यक आवश्यक है। उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या जरूरी है, तो सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो। सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहते हैं, तो गोशन का दूसरा नियम या प्रतिस्थापन का नियम। यदि किसी वस्तु के मूल्य की मांग की लोच 0.5 हो तो वस्तु की मांग कैसी होगी, सापेक्षिक बेलोचदार। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो आय प्रणाली नहीं है। अगला है, मांग की लोच को प्रभावित कौन करता है, तो वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग और समय तत्व। अगला है, सारणी के आधार पर मांग की लोच ज्ञात करना है, प्रति इकाई मूल्य P1 10, P2 8, प्रारंभिक कीमत 10 रुपया है, बाद में कीमत घटकर 8 रुपया हो गया, 10 रुपया पर डिमांड 20 इकाई है, 8 रुपया 25 इकाई हो गया, तो मांग की लोच कितना होगी, 2 होगा। उच्च मूल्य ऊंचा मूल्य मतलब मूल्य ऊंचा होगा तो मांग क्या होगी, कम होगी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ेगी। एक अति प्रबलयकार मांग वक्र के लिए मांग की बिंदु हर रोज पर क्या होगी, तो 1 के बराबर होगी। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में औसत आगम, सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच कैसा संबंध है, तो P = AR = MR। उत्पादन के साधनों के रूप में उद्यमी का कार्य क्या है, तो साधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरों को वहन करना। कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी, तो जब उद्योग में प्रगति हो। औसत उत्पादन वक्र की आकृति कैसी होती है, तो अंग्रेजी की अक्षर के समान होती है। किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना, उत्पादन का मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य उत्पादन के किस चरण में कारणों का निवल योगदान। कॉब डगलस उत्पादन फलन Q = X1A α X2β, α+β हो जाएगा। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पत्ति के साधनों का। उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने का मूल कारण क्या है, तो साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन। अगला है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो पैमाने के प्रतिफल से। अल्पकालीन उत्पादन
अल्पकालीन उत्पादन की दशा एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, तो द्वितीय अवस्था तक। इसको ले जाओ परिवर्तनशील, फोन देखो आया, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो AR और MR आपस में बराबर होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अंतर होता है, तो AR बड़ा होगा MR छोटा होगा। AR प्रदर्शित करता है या तो TR बटा Q को। प्रत्येक बाजार में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, तो प्रत्येक बाजार में MR AR के बराबर हो और MC वक्र AR को नीचे से काटे। पूर्ति के नियम को कौन सा प्रदर्शित करता है, तो S=F। पूर्ति की कमी के कौन से के कारण है, तो पूर्ति में कमी के कारण है उद्योग में फर्मों की कमी, स्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि। कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है, तो मुद्रा उत्पत्ति के साधन। नहीं होगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है, तो मांग के नियम से। औसत उत्पादन बकरी की आकृति कैसी होती है, तो युवा आकार के समान होता है। फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है न्यूनतम बिंदु पर। उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रमुख समस्या मान्यता क्या है, तो स्थिर साधन सीमित दुर्लभ होते हैं, स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं, परिवर्तनशील साधन समस्त इकाइयां समरूप होती है। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बढ़ जाता है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो आर्थिक लागत। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो कुल परिवर्तनशील लागत भागा उत्पादन। फर्म का लाभ किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, फर्म का लाभ किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, तो सीमांत आगम वक्र बराबर सीमांत लागत और सीमांत लागत वक्र सीमांत लागत रेखा को नीचे से क्या करे काटे। पूर्ति की लोच मतलब जब जीरो होता है तो कैसी होगी, पूर्णतः बिलोचदार पूर्ति होगी। बाजार मूल्य का संबंध किससे है, तो अति अल्पकालीन मूल्य से। किस नियम की व्याख्या अल्पकालीन उत्पादन फलन द्वारा नहीं की जाती है, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो कीमत उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा। एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा किसने दिया, तो चेम्बरलिन ने दिया था। किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होती है, तो एकाधिकार के बाजार में। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के समान होता है, औसत उत्पादन से कम होता है और उससे अधिक होता है। अगला है, किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। फर्म को लाभ कब मिलता है, तो जब AR बड़ा होगा AC छोटा होगा कम होगा। कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने दिया, तो मार्शल ने दिया था। अल्पकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है, तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में क्या होता है, तो सीमांत और औसत उत्पादन दोनों क्या होता है, बढ़ता है। किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो जाता है, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति ज्यादा उल्टी हो जाए, तो वस्तु का स्वरूप कैसा होगा, लोचदार होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कैसी होती है, तो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है। साधन कीमत निर्धारण के क्या घटक हैं, तो लगान मजदूरी और ब्याज। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषणा करता है, तो कौन है, तो न्यूनतम कीमत और उच्चतम कीमत सीमा। मौद्रिक लागत क्या है, तो स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। किस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। पूर्ति के विस्तार का अर्थ क्या है, तो उसी कीमत पर अधिक पूर्ति अथवा कम कीमत पर उतनी ही पूर्ति, वस्तु की ऊंची कीमत पर अधिक पूर्ति।
पूर्ति वक्र का संचालन होता है तो कीमत परिवर्तन के कारण। किस बाजार में वस्तु की कीमत उत्पादन के सभी स्तर पर सदैव स्थिर होता है? उत्तर होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। दीर्घकाल में मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। दीर्घकाल में मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा क्या तय होता है? तो संतुलित कीमत। अगला है, अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतम की शर्त क्या है? तो सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर। कहता है कुल उत्पादन गुने की इकाई माइनस कुल उत्पादन गुने की इकाई की परिभाषा क्या है? तो कुल उत्पादन की परिभाषा है। अल्पाधिकार के बाजार में क्या होता है? तो कुछ विक्रेता होते हैं। किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में। एक एकाधिकारी में कौन कौन सी विशेषता है? एक विक्रेता, निकट प्रतिस्थापन, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? तो विभेदीकृत उत्पादन, बाजार का अपूर्ण ज्ञान, विक्रय लागत। किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। एकाधिकारी बाजार किसे दर्शाता है? तो बाजार की प्रवृत्ति को। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में। कौन एकाधिकारी की विशेषता नहीं है? तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता, निकट स्थापन का अभाव, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। जब औसत लागत घट रही हो और सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होगी? तो उत्तर होगा MC less than AC greater than AC। सीमांत आय निम्न कौन होगी? तो TR बटा डेल्टा Q। अधिकतम लाभ की पूरक शर्त क्या है? तो सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा से को ऊपर से काटे। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किसी फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो एक अक्ष के समानांतर होता है। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है क्या कहलाता है? तो मोनोपसोनी कहलाता है। निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? तो औसत आगम सीमांत लागत के बराबर होता है। दीर्घ काल में प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा? तो न्यूनतम सीमांत लागत पर। अगला है, एकाधिकार बाजार के लिए शर्त कौन सही शर्त है? सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति, मतलब आगम और लागत। कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो मशीन। किसी वस्तु के कीमत मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, या किसका कथन है? मार्शल के द्वारा। मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन के साधनों का। पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ प्राप्ति कब होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ मिलता है। संतुलन कीमत से अधिकतम कीमत पर क्या होता है? तो वस्तु की मांग अधिक होगी, वस्तु की पूर्ति भी अधिक होगी। न्यूनतम सहायता मूल्य क्या होता है? तो साम्य मूल्य से कम होता है। एकाधिकार फर्म में संतुलन की शर्त क्या है? तो सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है। अल्पकालीन औसत लागत की रेखा कैसी होती है? अक्षर के समान होती है। औसत आय का सूत्र क्या है? TR/Q। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है उत्पादन लागत द्वारा। अति अल्पकाल में पूर्ति कैसी होगी? तो पूर्णता बेलोचदार होगी। एक अधिकार प्रतियोगिता की धारणा किसने दिया? तो चेम्बरलिन ने दिया। लाभ का निम्न में कौन सा घटक है? लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो अमर्त्य सेन ने किया। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग में क्या होगी? बढ़ जाएगी। किस स्थिति में उत्पादन संभावना बाकर दाई ओर खिसक जाती है? तो साधनों की वृद्धि से, उपभोक्ता की आय में वृद्धि से। अगला है, कम कीमत पर
उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ा देता है क्योंकि उस वस्तु की सस्ती हो जाती है और कीमत उपभोक्ता क्रय शक्ति से बढ़ जाती है। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है चीनी, गुड़, चाय, कॉफी। मांग में संकुचन कब होता है? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, अनिवार्य वस्तु में होगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? शून्य होगा। गोशेन का प्रथम नियम संबंधित है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया? तो मार्शल ने दिया। मांग की लोच को मापने की कौन कौन विधि है? तो कुल व्यय विधि, बिंदु विधि, प्रतिशत विधि, अनुपातिक विधि। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो हिक्स और एलेन ने दिया था। सम सीमांत उपयोगिता नियम का नाम क्या है? तो गोशेन का प्रथम नियम। मांग में संकुचन कब होता है? उत्तर, जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। मांग की लोच को मापने की प्रतिशत विधि का विकास किसने किया? तो फ्लक्स ने किया था। आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देगा? तो निम्न कोटि की। मांग के ढाल, वक्र की ढाल का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक या ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ या बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। तटस्था वक्र का झुकाव कैसा होता है? तो बाएं से दाएं नीचे की ओर। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो पूर्णता बेलोचदार होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया? गोशेन ने किया, लेकिन विस्तार से व्याख्या मार्शल ने दिया था। तो आज की क्लास में इतना ही रहा। हालांकि ये इकोनॉमिक्स खंड अ के सारे प्रश्न थे और खंड ब में भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप खंड अ का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ लेंगे, उसके बाद मार्केट टॉपिक से पढ़ लेंगे, राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद बैंकिंग, बजट और गुणक टॉपिक के सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे। निश्चित तौर पर आप सारे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।